भोपाल में संयुक्त राष्ट्र विश्व सहिष्णुता दिवस और नव नियुक्त ट्रेड कमिश्नर का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल व्यापार परिषद ने 55 देश के साथ व्यापार संबंधों में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अनेक देशों के दूतावासों से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलाव हुआ। दुनिया भारत की तरफ देख रही थी, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, जल्द ही हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने देश में MP से अच्छा कोई दूसरा स्थान नहीं है ये भी कहा, और इसी महीने 12 मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर शुरू कर देंगे। लगातार 2004 तक हमारे पास कुल 6 मेडिकल कॉलेज थे, वर्तमान की स्टेट में 5 थे। उस 5 से हम अभी तक आते अब आज की स्थिति में 17 में हम पहुंचे, अर्थात 12 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए। लेकिन इस सरकार के बनने बाद PPP मॉडल में हमने 12 का टेंडर लगाया हुआ है, और हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने के आखिर तक हम 12 नए मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल में दे रहे हैं। तो जो हमने 15 साल में 20 साल में प्राप्त किया वो 1 साल में प्राप्त कर रहे हैं।